press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to testbook.com. Good evening to all. Good evening Naman ji, Vinayak ji, Arpana ji, Girish ji, Vishwajit Singh ji, Kapil, Saha ji, etc. काफ़ी लोगों को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. आज का टाइम 7:45 था, आपको वैसे दिख रहा होगा. और अश्विनी जी भी आ गए हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं. ठीक है, सो हमने कल सेल के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, या कहिए सेल से रिलेटेड क्वेरीज को कंप्लीट किया था. आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपने उसको एक बार फिर दोबारा देखा होगा ताकि आप चीज़ें नोट कर लो. वेल, आज का टॉपिक ह्यूमन डिसीज का है, यानी कि एक बॉडी जब किसी भी परफेक्टली काम नहीं करती तो वो एडवर्स रिएक्शंस देने लगती है. फॉर एग्जांपल, जैसे आज मुझे काफ़ी कोल्ड है. सो इसी तरह की जो रिएक्शंस है या इसी तरह के जो एडवर्स इफेक्ट जब बॉडी शो करे तो हम बोलते हैं कि वी आर इल और वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस. उस कंडीशन को हम अपने बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलेंगे ह्यूमन डिसीज. तो जो ह्यूमन डिसीज है वो बेसिकली तो चार टाइप की होती है. एक प्रोटोजोअल यानी कि परजीवी द्वारा होने वाले रोग, एक बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, एक वायरल यानी कि आपके विषाणु द्वारा होने वाले रोग, एक आपके फंगल यानी कि ये कवक के द्वारा होने वाले रोग. इसके अलावा डेफिशिएंसी डिसीजेस यानी कि विटामिन की कमी पर भी कई सारी डिजीजेस हो जाती है. सो हमारा जो आज का वीडियो है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप रिफ्रेश कर लीजिए सर, एक बार डिस्प्ले हो जाएगा. सो हमारा जो आज का सेशन है वो सेशन ह्यूमन डिसीज का है और ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड हर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे. तो देखते हैं कि आज कमल जी ये बहुत चेपता. हेलो मैम, चाय पी लो. चलो पढ़ने आए हो, पढ़ लो. मैं ये कहूँगी हेलो स्टूडेंट, पढ़ लो. ठीक है, सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है. तो गाइज, आर यू गाइज रेडी? चलो रेडी हो गए हो, क्वेश्चन देख लेते हैं. आपकी स्लाइड पर क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि इनमें से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है. बहुत बेसिक क्वेश्चन. बेरी बेरी आपको पता है कि वो विटामिन बी से होता है. क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रोटीन की कमी से होता है. तो कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर करो. मैंने भी बता दिया है. प्रिंस हेलो, सूरज हेलो, गोल्डी हेलो, शिवजी हेलो, हाय हो गई है भाई. अब आप लोग जल्दी से आंसर करो कि क्या आंसर है. रिकेट्स विटामिन डी से होता है और आपकी जो गिंगिविटिस है, ये डिसीज जो है ये बेसिकली गम से रिलेटेड है, ये मसूड़ों से रिलेटेड है. लोगों के आंसर, प्रदीप पांडे राइट आंसर, आशीष राइट आंसर, रुपेश राइट आंसर, नमन गर्ग राइट आंसर, कवेशकर जो है ये होती है आपकी प्रोटीन डिसीज. आंसर पता है, वेरी गुड. नहीं पता है तो नोट करो और साथ ही साथ ये भी नोट करो बेटा कि विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स और गिगेमिटिस जो है ये भी आपका एक गम यानी कि टीथ से रिलेटेड पूरा एक डिसीज है. ओके चलो. हेलो अभिषेक, चलिए आंसर करते हैं. क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया. आकाश जी, गिगेमिटिस जो है ये बेसिकली एक आपके टीथ से रिलेटेड, इसमें जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, देन आफ्टर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. ये भी आपके नॉर्मल एक जो लैक ऑफ ये जो प्रोटीन वगैरह होता है, सॉरी लैक ऑफ जो विटामिन है उसकी उस पर होती है ये डिसीज. ठीक है, काफ़ी लोगों ने आंसर किया सही है आंसर. हाँ मोंटी जी, आपका आंसर सही है. अमित राइट आंसर, कुंदन राइट आंसर. ओके कुणाल, योर्स टू राइट आंसर. ओके चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अफेक्टेड बाय काला अजहर. काला अजहर या ब्लैक फीवर भी इसको कहा जाता है. काला अजहर से होने वाले में या काला अजहर नामक जो रोग है, इस रोग में कौन सा ऑर्गन, कौन सा शरीर का पार्ट प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, इफेक्टेड होता है. तो बेसिकली इसमें विराट सिंह अगेन राइट आंसर. विराट सिंह ठीक है, विराट सिंह राइट आंसर. ठीक है विकास जी, राम राम. चलो ओके, ब्रेन राइट आंसर आ रहा है. आदिल खान हेलो, शांतनु जी राइट आंसर है आपका. वीर राइट आंसर है. बॉन्टी जी राइट आंसर नहीं है आपका. ओके जिन लोगों ने ब्रेन आंसर किया है
वो सही है, बोन मैरो अफेक्ट नहीं होती। एक्चुअली कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है कि काला अजर ब्लैक फीवर में हम अक्सर बोन मैरो अफेक्टेड दिखाते हैं, लेकिन ब्लैक फीवर या काला अजर में बोन मैरो नहीं बल्कि ब्रेन पर ही अटैक करता है, और ब्रेन में बेसिकली इसका प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा दिखता भी है। काला अजर जो है ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है, यानी कि एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग ये है। ओके, चलो लिख लेना बगल में कि काला अजर इज अ प्रोटोजोअल डिसीज, ये एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। चलो गाइस जल्दी से बढ़ते हैं। जय बाबा जी, हेलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विडल टेस्ट इज यूज फॉर सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ, यानी कि विडल परीक्षण का उपयोग किस अति संवेदनशीलता के लिए किया जाता है। सीधा सा पूछ रहा है कि वाइडल टेस्ट जो है ये बेसिकली किस डिसीज, किस रोग को रिकॉग्नाइज करने में किया जाता है, मलेरिया, कॉलेरा, ब्लैक येलो फीवर और टाइफॉइड। तो वाइडल टेस्ट जो है ये टाइफॉइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है, ये टाइफॉइड को जानने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, राइट आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के। वी राइट आंसर, सागर राइट आंसर, शिवानी, इर्शाद, प्रकाश जी राइट आंसर, विवेक राइट आंसर, ज्योति जी राइट आंसर, सोनू कुमार, प्रवीण कुमार, यूनी जी राइट आंसर। ओके गाइस काफी लोगों के राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तक यहां तक हो गया, समझ में आया यहां तक की कहानी, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाए हम लोग। हाँ या ना, जल्दी से येस और नो बोल दो। ओके ठीक है, सो काफी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, इस चीज से काफी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ओके, काफी लोग यस भी आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजिंग एजेंट ऑफ एथलीट फूट डिसीज, यानी कि आपका जो पैर का दाद या जो एथलीट फूट डिसीज है ये बेसिकली किसके वजह से होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एथलीट फूट डिसीज जो है ये आपकी एक फंगल डिसीज है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है ये, और इस रोग में जो कवक, जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है उसका आंसर आप लोग कर दो जल्दी से। और विराट जी अगेन राइट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज ट्राइकोफाइटोन जो है ये होगा आपका राइट आंसर। ओके, ओके गाइस, चलिए विकास जी राइट आंसर, ठीक है, गोल्डी राइट आंसर, बाबा जी राइट आंसर, कुलदीप राइट आंसर, बेस्ट वीडियोस राइट आंसर, ठीक है, रुपेश राइट आंसर। ओके गाइस काफी लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं, ट्राइकोफाइटन इज योर आंसर। नोट कर लो कि एथलीट फूट जो है वो एक फंगल डिसीज है, एथलीट फूट में पैर में जो है स्वेलिंग हो जाती है और वो हील नहीं हो पाती, यानी कि उसमें उसको सही होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से कट्स और स्वेलिंग आने लगती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ विवेक जी आपका सही है। ओके गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, कम ऑन। अब आपको मैच द फॉलोइंग क्रिएट करने हैं, एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है और उस लिस्ट में आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच है, यानी कि कौन सी डिसीज किस बैक्टीरिया, किस वायरस, किस फंगस के साथ होती है, के कारण होती है, कॉजिटिव एजेंट से मैच करना है। कम ऑन गाइस जल्दी से मुझे लिस्ट को मैच करके बताओ, और मैच कैसे करना है, ऐसे बताओगे कि ए के साथ जो कॉजिटिव एजेंट आ रहा है उसको लिखो, ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या। ओके श्रवण जी ठीक है, स्लो चलते हैं, तो आप लोग आंसर करो पहले, बेटा पूरा लिखो, दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सो विजिबल होगा आपको। पूरा लिखिएगा, ए का दिस, बी का दिस, सी का दिस, या फिर करेक्ट राइट आंसर लिख दो सीधे से। राइट आंसर आ गए हैं, सोनू जी राइट आंसर, यूनी, विराट राइट आंसर। सेकेंड ठीक है, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है यानी कि जो मीजल्स है वो रुबेला वायरस, स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरियोला वायरस, एथलीट फूट जो है वो एथलीट फूट होता है ट्राइकोफाइटोन से, हमने लास्ट में भी पढ़ा, और काला अजर जो है वो लिशमेनिया से होगा। तो सेकेंड इज योर राइट आंसर गाइस। महेश जी, रवि शेखर ने काफी अच्छे से लिख रखा है, राजीव राइट आंसर, मनोज, अमन, कुलदीप जी, राकेश जी, विवेक सिंह, सत्या जी। ओके गाइस काफी लोग के राइट आंसर, खुशी हुई जान के कि आपको पॉजिटिव एजेंट पता है, यानी कि आपकी जो डिसीजेस वाली लिस्ट है वो आपको अच्छे से आती है।
अगर किसी को इश्यूज हो तो टेस्ट बुक पे एक मेरा ही वीडियो पड़ा हुआ है या है वहां पर डिजीजेस का एक वीडियो है ट्रिक के साथ, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉस्ट बाय प्रोटोजोआ, इनमें से परजीवी, प्रोटोजोआ का मतलब होता है ऐसी डिसीज या ऐसा रोग जिसमें डायरेक्टली प्रोटोजोआ अटैक नहीं करता बॉडी में, हमेशा उसको कोई ना कोई कैरियर, उसको कोई ना कोई वाहक चाहिए होता है अटैक करने के लिए। तो इनमें से कौन से परजीवी से कॉज डिसीजेस नहीं है। अभिषेक कुमार जी नाम ले लिया गया है, ठीक है। लिशमेनिया, हिस्टोपलमसिस, मलेरिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सो यहां पर आपका जो हिस्टोपोलोमोसिस है वो है राइट आंसर। ये डिसीज आपकी प्रोटोजोअल डिसीज नहीं है। इस डिसीज, ये जो डिसीज है हिस्टोपलमोसिस, ये फंगल डिसीज है, कवक के द्वारा होने वाली डिसीज है। और एक इंटरेस्टिंग नाम है इसका, इस डिसीज को डार्लिंग डिसीज भी कहा जाता है, ठीक है। मैं हिस्टोपलमोसिस के बारे में बात कर रही हूं। हिस्टोपलमोसिस जो है ये आपकी प्रोटोजोअल नहीं बल्कि फंगल डिजीज है, इसको डार्लिंग डिजीज कहा जाता है। और एड्स पेशेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है ये डिजीज, एड्स पेशेंट में ये डिजीज जरूर होती है, क्लियर है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए आप लोग के, राइट आंसर कृष्णा गुप्ता, राइट आंसर राकिब खान, राइट आंसर आलोक, राइट आंसर आशीष, राइट आंसर रूपेश, सोनू कुमार हन्ना, राइट आंसर कश्यप शर्मा, राइट आंसर, ठीक है, ओके कृष्णा गुप्ता, राइट आंसर। चलिए सो हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आपको यहां पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गई कि हिस्टोप्लामोसिस क्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1956 मिनामेटा, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार आया है, ठीक है। डिसीज वॉज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो मिनामेटा जो है ये आपके 1956 में जापान में इस डिसीज को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था, और ये वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। बेसिकली आपकी जितनी भी जो इंडस्ट्रीज होती है उस इंडस्ट्री से जो भी आपका जो पानी या जो भी चीज डिस्पोज करी जाती है वो डायरेक्टली ओशन वगैरह में कर दी जाती है डिस्पोज। सो पानी में मिथाइल मर्क्यूरी के कारण, ये बेसिकली मर्क्यूरी पॉइजनस डिसीज कहलाती है, तो मिथाइल मर्क्यूरी के कारण ये डिसीज होती है। राइट आंसर एयर पॉल्यूशन नहीं होगा शिवम, ठीक है, राइट आंसर आ रहे हैं, ओके। सो अब ये तो जिन लोगों को ये पता है कि इट्स अ वाटर पॉल्यूशन डिजीज, वेरी गुड। इसमें ऐड करोगे बगल में कि इट्स अ मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनस डिसीज है ये। बेसिकली पानी में या आपके ओशन में मिथाइल मर्क्यूरी का अमाउंट होने के कारण 1956 में जापान में इस डिसीज को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, समझ आ गया इतना। नैना जी राइट आंसर ने, नैना जी ने काफी अच्छे से राइट आंसर लिखा है, मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ठीक है नैना जी। गौरव राइट आंसर, रोहित मेहरा ने राइट आंसर काफी अच्छे से लिखा है, ओके गाइस, ठीक है। रवि शेखर राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलिए सो ये हो गए आपके इतने क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड द कॉलेरा वैक्सीन, यानी कि किसने कॉलेरा के वैक्सीन को डिस्कवर किया था। हम्पर डेवी ने, ल्यूको मोटगेनियन ने, या फिर क्रिश्चियन एजिकमैन ने, और वाल्डिमीर हॉफकिन ने। तो कॉलेरा को इन्वेंट बेसिकली वाल्डिमीर हॉफकिन ने किया था। कुंदन कुमार जी राइट आंसर दे दो, नाम ले लेंगे। प्रकाश यादव कोई बात नहीं, राइट आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। हॉफकिन जो है वो है कॉलेरा के इन्वेंटर, ये इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। चलिए राइट आंसर आ गए हैं, दीपक सिंह राइट आंसर, विमल राइट आंसर, ज्ञानेश्वर राइट आंसर, साहू जी राइट आंसर, विराट, ठीक है, कश्यप शर्मा राइट आंसर, रेडी जी राइट आंसर, ठीक है, ओके, सुनील सिंह राइट आंसर, काफी लोगों ने राइट आंसर कर दिया है, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर इंसुलिन,
इंसुलिन की खोज किसने करी? बहुत बेसिक क्वेश्चन। इंसुलिन के बारे में रेलवे की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंसुलिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन से एक आध क्वेश्चन हमेशा मिलता है। तो भाई, इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया, इंसुलिन की खोज किसने करी, इस बात का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और हमारे पास राइट आंसर आए हैं क्या? पीआरएस ग्रुप राइट आंसर करिए। अभिषेक कुमार राइट आंसर। सेकंड, फ्रेडरिक बेंटिंग जो है, इन्होंने बेसिकली इंसुलिन डिस्कवर किया था। क्या होता है? तो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में जो बीटा सेल होती है, उन बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रिएट होता है, ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, जो रुधिर में शर्करा के अमाउंट को नियमित करने का काम करता है। क्लियर है? ओके, काफी लोगों के राइट आंसर आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसी क्वेश्चन पे रहते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसमें आगे क्या याद रखना है। इसी क्वेश्चन में एक चीज देखिए, फ्लेमिंग नाम लिखा था, तो एक स्लाइड पीछे करिए सर। ओके, जो आपकी ये जो बेंटिंग थे, फ्रेडरिक बेंटिंग, नोट कर लीजिए, फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन, फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन डिस्कवर किया था, और हॉपकिंस ने विटामिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये जो लिस्ट बोली है इसको नोट कर लीजिए, ये आपके आने वाले क्वेश्चन में चार चीजों को कवर कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी, यानी कि कौन सा रोग जो है वो बीसीजी से आपको वैक्सीन में राहत दिलाता है। तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस, राइट आंसर आ गए हैं काफी लोगों के, ठीक है। थर्ड, दीपेश कुमार राइट आंसर। ओके, सुजीत जी राइट आंसर, प्रवीण राइट आंसर, आरके जी नाम तो पूरा लिख लो तब ना नाम लेंगे। चलो, ज्योति राइट आंसर, वीर राइट आंसर। थर्ड यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये होगा आपके बीसीजी का मेन वैक्सीनेशन, और इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, तो इसका फुल फॉर्म जो है इट इज बेसिली कैलमिटी ग्वारिन। कभी कभी फुल फॉर्म में सी का पूछा गया है कि कौन सा फुल फॉर्म है, ये क्या है, ठीक है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म पहचान जी, बीसीजी का फुल फॉर्म नोट कर लो, मेरा नाम मत करो, चलिए ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दो, आप लोग आंसर करो, डीपीटी का फुल फॉर्म बता दो, यानी कि डीपीटी भी एक वैक्सीनेशन है, सबको पता है। देखते हैं कौन राइट आंसर करता है जल्दी से। डीपीटी किन तीन डिजीज के लिए यूज होता है, इसको जल्दी से बता दो। पिनाकी जी ने इस चीज को लिख दिया है, वेरी गुड, थैंक यू पिनाकी जी। गाइज जल्दी से बताओ, नीरज कुमार नमस्ते, जल्दी से बताओ कि डीपीटी किन तीन डिसीज के लिए यूज होता है बेटा, कम ऑन, देखते हैं जल्दी से आंसर कौन दे रहा है। दीपक सिंह पूरा लिखो, डिप्थीरिया लिखा है आपने खाली, दीपक सिंह डिप्थीरिया के साथ साथ लिखिए कुछ। दीपेश, राजश्री राइट आंसर है, ठीक है। अभिषेक कुमार, विटामिन की खोज फंक ने करी, सही है, लेकिन अदर जो विटामिन थे उन विटामिन में सबसे ज्यादा डिस्कवरी हॉपकिन ने दी थी, इसीलिए वहां पे मैंने विटामिन बोला था। मनित कुमार ठीक है, खुश, चलो काफी लोग के राइट आंसर। अरविंद राइट आंसर है, ठीक है। बालाजी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता मैं आंसर करूंगी। डीपीटी जो है ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन तीन डिसीज के लिए डीपीटी नाम का एक वैक्सीन यूज किया जाता है। नरेश सैनी ठीक है, खुश हो जाते हो क्या नाम वाम लेने से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम प्रकाश गुजर सही है, व्हूपिंग कफ आपने लिखा है, क्योंकि व्हूपिंग कफ को का जो बैक्टीरिया नेम है वो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस है, इस वजह से डीपीटी में पी स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस। ओके ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड
leads to a condition called, यानी कि अगर ब्लड में रुधिर में आरबीसी का लेवल ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी, कौन सा रोग होगा? आंसर करो, आंसर करिए जल्दी से। किरण दास जी ने राइट आंसर किया है सबसे पहले। संजय एनीमिया बोल रहे हैं, नहीं गाइस। एंड द राइट आंसर इज पॉलीसिथेमिया। जब भी वो देखो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि जब ब्लड में आरबीसी का लेवल ज्यादा होगा, अगर ब्लड में आरबीसी का लेवल कम होगा तो एनीमिया कॉज होगा, ओके? और अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी का लेवल ज्यादा होगा तो ल्यूकेमिया होगा, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है? ये केस भी याद रखो, आरबीसी ज्यादा हुई तो क्या होगा, ठीक है? ये वाली चीजें आप याद रखिए, ओके, नोट कर लेना इसको। अगर आरबीसी ज्यादा हो रही है तो पॉलीसिथेमिया, आरबीसी कम हो रही है तो एनीमिया, अगर डब्ल्यूबीसी। पिनाकी जी, जो एनीमिया है वो बेसिकली लैक ऑफ ब्लड की कमी से होता है। इसको घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि अगर आरबीसी का लैक ऑफ आरबीसी है तो भी एनीमिया, अगर लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है तो भी एनीमिया, अगर लैक ऑफ ब्लड है तो भी एनीमिया, ठीक है? ये उसके एक तीन टाइप हो सकते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। अरे कॉमन सेंस आ गए, चलो ठीक है, आंसर दो जल्दी से। ओके ठीक है गाइस, काफी लोगों के राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहे हैं, सही लग रहा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एडिशनल चीजें पता चल रही हैं या नहीं बताते जाना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है? ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो बॉडी में जो प्रोटेक्शन पावर, जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अफेक्टेड इन निमोनिया, ये बहुत आता है निमोनिया में। निमोनिया जो कि आपकी एक डिसीज है, उस बैक्टीरियल डिसीज है, उस निमोनिया में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? आंसर आ गए हैं विराट, दीपक राइट आंसर, इर्शाद जी राइट आंसर, कश्यप शर्मा राइट आंसर, शुभम राइट आंसर, ठीक है? कॉमन सेंस, लंग्स, ठीक है? लंग्स, फेफड़े जो है ये निमोनिया में अफेक्ट होते हैं। बेसिकली फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है अगर निमोनिया से व्यक्ति कॉज है तो, क्लियर है? चलो, किसी ने, मैं देख नहीं पाई नाम, किसी ने मुझे बैक्टीरिया का नेम भी बता दिया था, थैंक यू अगर आपने नेम बता दिया, मैं नाम नहीं देख पाई आपका। डिप्लोकोकस निमोनी जो है वो है निमोनिया का बैक्टीरिया, ठीक है? चलो आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज स्प्रेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस है, जो सोने की बीमारी है, नॉर्मल वाली नहीं, ठीक है, जो हमें होती है हमेशा, तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किस इंसेक्ट के कारण होती है? खटमल, सॉरी बट बग्स, ल्यूस, सीसी फ्लाई और सेंड फ्लाई। तो यहां पर बेसिकली ये एक प्रोटोजोअल डिसीज है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, जो सीसी मक्खी, अफ्रीका साइड बहुत मिलती है, तो सीसी मक्खी के काटने के कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है, जिसमें फीवर विथ स्लीप यानी कि नींद के साथ बुखार जैसे लक्षण, सिम्टम्स सामने आते हैं। राइट आंसर आ गए हैं राणा जी राइट आंसर, सूरज राइट आंसर, ओके अभिनव राइट आंसर, जगदीश यादव राइट आंसर, रूपा रॉय राइट आंसर, मोहित राइट आंसर, ठीक है, सुनील राठी राइट आंसर, जेबी ट्यूटोरियल राइट आंसर, ठीक है गाइस, ओके। सैंड फ्लाई कौन बोल रहा है, नाम नहीं देख पाई, सैंड फ्लाई नहीं भैया, सीसी फ्लाई होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन बिकम फ्रेजाइल एंड ब्रिटल, यानी कि हड्डियां कमजोर और भंगुर, भंगुर यानी कि सॉफ्ट, ठीक है, एक तरह से जल्दी जल्दी झड़ने, वो भुरभुरी सी हो जाती है ना, तो इस डिसीज या इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इस स्थिति को कहा जाता है। इसमें जो आपकी बोन्स है ये बेसिकली कैल्शियम
और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज सामने आती है, जिसमें हड्डियां सॉफ्ट होने लगती है और उनके बीच में जो उनका मेन स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। ठीक है, दुबे जी राइट आंसर, साहू जी राइट आंसर, शिवम शर्मा राइट आंसर, ठीक है, सिमरन राइट आंसर, कोई राठौर जी भी थे राइट आंसर, ओके, विकास राइट आंसर, ठीक है, नेहा नैना चौधरी राइट आंसर, मयंक दुबे राइट आंसर, गुंजन राइट आंसर, सूरज शर्मा राइट आंसर, राणा प्रताप राइट आंसर, अरुण राइट आंसर, सलोनी राइट आंसर, राणा प्रताप जी राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, बहुत लोगों ने राइट आंसर कर लिया, मैंने बहुत सारे नाम ले लिए एक बार में, है ना। चलो आगे क्वेश्चन मूव देखते हैं। विवेक, कैल्शियम और विटामिन डी, अच्छा आपने वही लिखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, ओके, मेजरली कॉज विच कैंसर, यानी कि आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, आपकी जो यूवी रेज है वो कौन सा कैंसर कॉज करती हैं, उसके वजह से कौन सा कैंसर होता है, तो उसके वजह से स्किन कैंसर होता है या कहिए त्वचा का कैंसर होता है, क्योंकि यूवी रेज जो है ये आपकी एपिडर्मिस होता है, आउटर लेयर, इस एपिडर्मिस पर अफेक्ट करती है, इस एपिडर्मिस पर प्रभाव देती है, इस वजह से स्किन कैंसर इज द राइट आंसर। विकास राइट आंसर, प्रदीप राइट आंसर, जीत राइट आंसर, मयंक राइट आंसर, टोनी जी राइट आंसर, रंजीत राइट आंसर, ओके, मनोज राइट आंसर, हिमांशु राइट आंसर, सुनील राइट आंसर, सही है, बिल्कुल सही, ओके ओके ओके, काफी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बस 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 बस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस इन अ डायबिटिक पेशेंट, यानी कि आपका जो एक मधुमेह रोगी है उसमें क्या कम हो जाता है, शुगर, प्रोटीन, इंसुलिन, निम्न में से कोई नहीं, तो ये आंसर नॉर्मली, अविनाश जी नाम ले लिया, बस खुश, चलो पानी पी लें, अच्छा थैंक यू रोहित याद दिलाने के लिए, तो इनमें कौन कम हो जाता है, चलो आंसर कर दो जल्दी से। दीपेश जी ने सबसे पहले आंसर किया है, प्रशांत राइट आंसर, महबू ठीक है राइट आंसर, ओके, कोई बात नहीं अविनाश जी, आप आंसर्स करिए, वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, इंसुलिन जो है वो कम हो जाती है। देखो दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया और मैं फिर आपको वही चीज रिपीट करूंगी कि पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है उस बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो इंसुलिन अगर कम हो जाए, क्योंकि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, तो अगर वो इंसुलिन कम हो जाए या निकलना बंद हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। चलो ओके, काफी लोगों के राइट आंसर आ गए हैं, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिंग वॉर्म इज अ डिसीज, यानी कि जो रिंग वॉर्म है वो एक कौन सा रोग है या किससे होता है, तो रिंग वॉर्म जो है ये बेसिकली आपका एक फंगल डिसीज है, एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग जो है वो आपका कौन सा है, रिंग वॉर्म है, और जो आपकी ये जो रिंग फॉर्म है ये ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस से होता है। नॉलेज करके कोई नाम था, पूरा सही नाम रखोगे तब ना बताएंगे तुम्हारा नाम, उल्टा सीधा नाम लिख लेते हो, ठीक है, घर वालों ने जो सही नाम दिया है वो लिखो तो हम पूरा नाम लेंगे। चलो ओके, काफी लोगों के राइट आंसर आ गए हैं, गोपाल जी राइट आंसर, कुलदीप राइट आंसर, जसप्रीत राइट आंसर, नितिन राइट आंसर, ओके, रोहित चौहान राइट आंसर, पिनाकी जी राइट आंसर, रंजीत, सुमन साहू जी, ठीक है, शुभम त्रिपाठी, सोहन चौहान, रोहन चौहान, सॉरी, ओके, काफी लोगों ने राइट आंसर किया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशीष जी, ठीक है, चलो, एमोइबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो अमीबी पेचेस है वो किसके कारण होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, एंट अमेबा हिस्टोलिका से ये डिसीज होती है। चलो देखते हैं कौन जल्दी से आंसर कर देता है, काफी लोगों ने आंसर किए हैं क्या, श्री राम जी ने राइट आंसर, मंजीत राइट आंसर,
ஓகே மனித் ரைட் ஆன்சர் ரஞ்சித் ரைட் ஆன்சர் ரிஷப் ரைட் ஆன்சர் நிக்கில் ரைட் ஆன்சர் ரஞ்சித் ரைட் ஆன்சர் ஓகே ठीक है ओम प्रकाश राइट आंसर वीर विवेक संजीव ओके कॉमन सेंस गुस्सा नहीं हो रहे हैं तुम लोग बात ही ऐसे कर दे तो गुस्सा आ जाता है यार चलो ठीक है काफी लोग के राइट आंसर आ गए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आपको वो पेयर वो आंसर देना है जिसमें दोनों डिसीज जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होती हो ठीक है योर ऑप्शंस आर क्लेमाइडिया एंटीबर्क्लोसिस एंथ्रेक्स एंड इबोला देखो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा इबोला वायरस है सबने सुना होगा ठीक है लिशमेनिया एंड मैनेंजाइटिस ये भी हट जाएगा लिशमेनिया भी हम लोगों ने पिछला पढ़ लिया है वो बैक्टीरिया नहीं था रेबीज एंड हर्पिस रेबीज जो है और हर्पिस वायरस होता है हर्पिस डिसीज प्रोटोजोआ होता है हर्पिस डिसीज काफी ज्यादा डेंजरस डिसीज भी होती है ना तो यानी कि जो पहला ऑप्शन काफी लोगों ने राइट आंसर कर दिया है मुझसे पहले ही ओके काफी लोग राइट आंसर जीत राइट आंसर संजू राइट आंसर संजीव शिवम सिमरन रंजीत ओके मयंक पावरफुल करके भी कोई थे लवली सिंह राइट आंसर ओके चलिए पिनाकी जी राइट आंसर कुछ पांडे जी कोई बात नहीं कंफ्यूज करते हैं तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपकी डिसीजेस याद हो जाएंगी आपको ठीक है यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है 19 क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है कुछ लोग फोर्थ लगा रहे हैं नहीं होगा रेबीज एक वायरल डिसीज है ठीक है ये नहीं होगा सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर अनिकेत राइट आंसर कॉमन सेंस ठीक है बहुत देर में आंसर दिया कॉमन सेंस आशीष जी ठीक है नाम के लिए थैंक यू वेलकम भाई ओके चलिए काफी लोग के राइट आंसर आ गए हैं एक चीज और बोलूंगी बीच में जो भी पीडीएफ जो भी क्वेश्चंस हो कोई भी डाउट हो मेरी मेल आईडी आपको मिल गई होगी आप मुझे वहां पे बोल सकते हैं एक मेल कर दीजिएगा कि ये पीडीएफ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी रितेश चौहान खुश चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपके इनमें से किससे होता है तो सयान जी जिसका आंसर आ रहा होगा उसी का नाम लेंगे सोनू कुमार ठीक है चलो तुम लोग आंसर देने आते हो अपना नाम सुनने आते हो चलिए वेल नाम सुना दिया है कोशिश करती हूँ कि मैं सबका नाम ले लूँ एक्चुअली कमेंट बहुत स्पीडली बढ़ते हैं तो जो दिख जाए जिसका नाम दिख जाए उतना बोल देते हैं कोशिश करते हैं बाकी तुम लोग बोल ही देते हो अलग से कि मैम मेरा नाम ले लो तो मैं बोल देती हूँ अगर नहीं दे पा रही हूँ तो सॉरी भाई और गया है ना इंसान से ही ना गलती होती है चलो आंसर आ चुके हैं दिव्या जी राइट आंसर ओके अनिकेत राइट आंसर ओम प्रकाश गुजर जी राइट आंसर कॉमन सेंस लेड बोल रहे हैं गलत है कॉमन सेंस ओके ओके अश्विन जी कोई बात नहीं बताते हैं अभी आपको आंसर इसका मोहम्मद यूसुफ जी आंसर ले लिया है और आपका नाम तो मैंने उस दिन भी बोला था आप पहले थे जिन्होंने गुड इवनिंग किया था मुझसे चलिए सो 20th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इट्स नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये डिसीज आपकी नाइट्रेट के कारण होती है या नाइट्रेट के वजह से होती है सोनू कुमार तुम्हारा नाम लिया था मैंने पहले ठीक है चलो सो ये डिसीज जो है वो नाइट्रेट के कारण होती है यहाँ पे आपको ये पता चल गया हरी जी ओके धनंजय जी ठीक है सो ये हो गए हमारे आपके क्वेश्चन आज के सेशंस के और अगर कोई भी डाउट हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो अभी हमारे पास टाइम है आप पूछ सकते हो मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछना हो कैसे क्या चीजें कवर करो कौन सी लिस्ट आप कवर करो शिवम वर्मा पूछ लो पहले तब बता देंगे नाम ले लिया है भाई कोई भी टॉपिक पूछना हो मेल कर सकते हो अभी पूछ सकते हो कोई लिस्ट आप लोग मुझे मेल करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट क्या मेन टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे शिवम वर्मा चार बार नाम लिए हम तुम्हारा
ओके चलिए गाइस, जल्दी से बता दो कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं ट्विंकल जी, अच्छा आप लेट हो गई। ओके बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी बता दो, अदरवाइज मेल कर सकते हो कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक जो यहाँ पढ़ना चाहते हो। वैसे आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों को कल्चर और स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रेलवे देता है एक आध, तो उसका भी हम लोग एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, कल का क्वेश्चन आपके कल के भी सेशंस हैं। कल के सेशन में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन जो है वो हम लोग करेंगे। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में क्या है, ईयर क्या है, आईज से रिलेटेड क्वेरी मिल जाती है ना, बोन्स से रिलेटेड क्वेरी मिल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कल हम लोग मुगल डायनेस्टी आ रहे हैं, पहले बायो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं हिस्ट्री पे ही स्विच करूंगी, तो वहां पर फिर मैं मुगल डायनेस्टी आपको पढ़ाऊंगी। और कोई क्वेरी? सुनील जी, क्लास डेली होती है और होगी, कल का टाइम भी 7:45 है बेटा, और कल के टाइम में भी हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन ह्यूमन बॉडी के करेंगे, तो उसके लिए भी आइएगा, सादर आमंत्रित हैं आप लोग, जैसा मैं कहती हूँ हमेशा। बायो, विकास यादव, बायो एक्चुअली याद मत करो, बायो को केवल समझो। कोई भी डायग्राम लो, हार्ड पढ़ना है, उसको केवल रटने की कोशिश मत करो। आपको रटना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, आपको केवल टर्म्स को एक बार माइंड में रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे हो जाएगा। जीएस तभी आप ज्यादा पढ़ सकते हो जब आप रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे, चीजें तुरंत हाथ से निकल जाएंगी और आप जीएस में फिर एक बार ब्लैंक होगे पूरी तरह। ओके ठीक है, हना जी, सेल से रिलेटेड क्वेरी हो गई है। पुरुषोत्तम कुमार, अभी भी नाम पर ही पड़े हो। ओके तो हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस जो भी आप लोग बता रहे हैं, जो टॉपिक आप लोगों ने दिए हैं, उनको एक बार मैं फिर से देख लूंगी और उनको जल्द ही अपने सेशंस में, आने वाले सेशंस में आपको वो दिख जाएंगे। चलिए, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, जो भी डाउट हो मेल कर सकते हो, मेल आईडी आपको पता चल चुकी है या पता है आपको, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, स्टे ट्यून्ड।